भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश से विधायक को लेकर पहुंचे पुलिस ने उन्हें दोपहर सीजीएम कोर्ट में पेश किया। इससे पहले मेडिकल जांच और कोरोना जांच को लेकर विधायक के तेवर ने पुलिस को बहुत परेशान किया। विधायक जी पुलिस की गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं थे। वहीं विजय मिश्रा की बेटी ने कोर्ट में एक बार फिर पिता की हत्या की आशंका जताई। बेटी का कहना है कि उनकी तबीयत खराब है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय कर दी है। इससे पहले खुद विधायक जी अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। विजय मिश्रा ने कहा था कि सीएम योगी और यूपी पुलिस उनकी हत्या करवानी चाहती है। उनका भी गैंगस्टर विकास दुबे की तरह एनकाउंटर हो सकता है। जान को खतरा बताया था, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अभी खतरा भी है, वहाँ एक जाति का शासन है, माफिया का शासन है। मैं विधायक हूँ और माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार को कमजोर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार। और राज्यसभा में, राष्ट्रपति में, सांसद में, लोकसभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमसे मदद लिया, सब चीज ली, सांसद बनवाया और बाद में वहाँ जो ठाकुर माफिया है, एक जाति की माफिया, उनके कहने पर हमारे परिवार को उत्पीड़न, धन दौलत, हमारी पत्नी लड़के को बर्बाद कर रहे हैं और हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा डाल रहे हैं। बता दे कृष्ण मोहन तिवारी ने पिछले दिनों विधायक, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ आवास पर कब्जा, फॉर्म हड़पने, जान से मारने की धमकी देने और चेक पर जबरिया हस्ताक्षर कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद विजय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।